भारतीय शेयर बाजार आज 3 अक्टूबर को भारी गिरावट के साथ बंद हुए। मिडिल ईस्ट में तनाव और नए एफएनओ नियम के चलते बाजार में चौतरफा गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1769 अंक की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी 547 अंकों का गोता लगाकर 25,250 पर आ गया। इसके चलते निवेशकों को आज 9.5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का झटका लगा। बीएसई का मिड कैप 2.27% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.84% टूट गया। सबसे ज़्यादा मार रियलिटी, कैपिटल गुड्स, ऑटो और इंडस्ट्रियल शेयर्स पर पड़ी। बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स आज लाल निशान में बंद हुए। कारोबार के आखिर में बीएसई सेंसेक्स 1769.19 अंक या 2.10% का गोता लगाकर 82,497.10 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयर वाला इंडेक्स निफ्टी 546.80 अंक या 2.12% टूटकर 25,250.10 के लेवल पर बंद हुआ। तो चलिए आज जानते हैं बाजार गिरने के बड़े कारण। इसमें सबसे पहला कारण है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। शेयर बाजार में गिरावट के पीछे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव है। इसराइल ने लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई शुरू की और हवाई हमले भी किए हैं। ईरान ने हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला की मौत के बाद इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करके जवाबी कार्रवाई की। इस संघर्ष के बड़े स्तर के युद्ध में बदलने की संभावना भी जताई जाने लगी है। ऐसे में निवेशक अब शेयर बाजार की जगह गोल्ड जैसे कम जोखिम वाले एसेट्स की ओर मुड़ रहे हैं। खासतौर से विदेशी निवेशक बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। फिडेंट एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर और सीईओ ऐश्वर्या दादीच ने मनी कंट्रोल से कहा कि अगर मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा जवाबी हमला होता है या तनाव बढ़ता है तो इससे भू राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। इसका असर भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार पर पड़ सकता है, लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि तुरंत चिंता का कोई कारण है। ये गिरावट अस्थायी है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरा कारण है कमजोर ग्लोबल संकेत। भू राजनीतिक तनावों के चलते दुनिया के ज्यादातर शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। अमेरिका के सभी 3 बड़े इंडेक्सेस बुधवार देर रात भर लगभग सपाट बंद हुए। निवेशकों की नजर अब आज आने वाले अमेरिकी बेरोजगारी के आंकड़ों और 4 अक्टूबर को आने वाली गैर कृषि पेरोल रिपोर्ट पर है। इस बीच एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। शंघाई का इंडेक्स नेशनल हॉलीडे के कारण 8 अक्टूबर तक बंद रहेंगे और दक्षिण कोरिया का बाजार आज राष्ट्रीय स्थापना दिवस के कारण बंद था। तीसरा कारण है सेबी का सर्कुलर। सेबी ने सर्कुलर जारी करके जानकारी दी है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ को लेकर बनाए गए नियम 20 नवंबर को लागू होंगे। सेबी के सर्कुलर के हिसाब से 1 फरवरी से ऑप्शंस बायर से अपफ्रंट प्रीमियम और इंट्राडे पोजीशन लिमिटेड की निगरानी होगी। इसके साथ ही सेबी ने डेरिवेटिव्स के लिए मिनिमम ट्रेडिंग अमाउंट 15 लाख रुपये तय किया है। मिनिमम ट्रेडिंग अमाउंट की बात करें तो उसे बढ़ाकर 15 लाख किया गया है। अब आते हैं चौथे कारण पर, ऊंचा वैल्यूएशन और घरेलू निवेशकों की कम भागीदारी। भारतीय शेयर बाजार पिछले काफी समय से ऊंचे वैल्यूएशन पर कारोबार कर रहे हैं। इतने लंबे समय तक रैली जारी रहने के चलते हर बड़ी खबर पर निवेशकों की ओर से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इसके अलावा गुरुवार को शुरुआती कारोबार में घरेलू निवेशकों की ओर से भी कम भागीदारी देखने को मिली। शेयर बाजार में अभी तक हर गिरावट पर घरेलू निवेशकों की ओर से बड़ी खरीदारी देखने को मिलती थी जो बाजार को संभाल लेता था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और अब WhatsApp के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। WhatsApp चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।